सो गाइस, अगर आप शौकीन हैं मोटरसाइकिल के और मोटरसाइकिल्स में भी आपको एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा भाती हैं, तो वैसी ही आज मोटरसाइकिल एक हमारे साथ है, वो है इंडिया की मोस्ट अफोर्डेबल एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल। जी हाँ, ये है हीरो की एक्सपल्स 200 4V। आज हम इसी के बारे में सारी बातें करने वाले हैं। इसका प्राइस शुरू हो जाता है 1,47,000 रुपीज़ एक्स शोरूम से। लेकिन ये जो वेरिएंट आप देख रहे हैं, ये 1,47,000 रुपीज़ एक्स शोरूम वाला नहीं है, ये है इसका प्रो वेरिएंट। जी हाँ, फोन्स में तो आपने प्रो वेरिएंट देखे ही होंगे, लेकिन अब मोटरसाइकिल्स में भी प्रो वेरिएंट आने लगे हैं। अब इस प्रो वेरिएंट की अगर प्राइस की बारे में बात करें, तो 1,54,000 रुपीज़ आपको एक्स शोरूम इसका प्राइस जो है मिलने वाला है। अब इस वेरिएंट में आपको क्या खास मिलता है और क्या क्या चीज़ें इसे नॉर्मल एक्सपल्स से अलग बनाती हैं, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ साथ इस वीडियो का एजेंडा ये होने वाला है कि हम इसकी मेनली राइडिंग के बारे में बात करेंगे कि क्या आप इसे डेली कम्यूटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, क्या आपकी ये प्राइमरी मोटरसाइकिल बन सकती है या नहीं। साथ ही ये भी बात करेंगे कि इस प्रो वेरिएंट को नॉर्मल एक्सपल्स से क्या अलग बनाता है। वेलकम टू टाइम्स गाइस, मेरा नाम है आयुष और आज हम बात करने वाले हैं हीरो की 4V के प्रो वेरिएंट के बारे में। साथ साथ आप अगर ऑटो कंटेंट की वीडियो देखने के अलावा ऑटो कंटेंट पढ़ना भी चाहते हैं, तो हमारी timesdrive.in वेबसाइट पर भी विजिट करके वो कंटेंट आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अब बात करते हैं कि प्रो वेरिएंट नॉर्मल एक्सपल्स से कैसे अलग है। अब सबसे पहले बात करें प्राइसेस के बारे में, तो अप्रॉक्सीमेटली 7,500 रुपये ज़्यादा देने पड़ते हैं एक्स शोरूम में इस मोटरसाइकिल के लिए आपको एक नॉर्मल एक्सपल्स से। अब वहाँ बात करते हैं कि आपको क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले इसकी फ्रंट सस्पेंशन के बारे में बात करें, तो ये आपको 250 mm ट्रेवल के साथ मिलते हैं, जो कि नॉर्मल एक्सपल्स में आपको 190 mm ट्रेवल मिलता था। यहाँ पर आपको पूरे 60 mm ट्रेवल इसके फ्रंट सस्पेंशन का ज़्यादा मिलता है। फ्रंट सस्पेंशन एडजस्टेबल तो आपको मिलते हैं, और साथ ही साथ अब आपको इसके अंदर चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है। यहाँ पर अगर स्क्रीन वगैरह के बारे में बात करें, बिल्कुल सेम आपको स्क्रीन पहले जैसे ही मिलती है। ससद ये विंडस्क्रीन जो आप देख रहे हैं, ये भी बिल्कुल सेम आपको पहले जैसे ही दिखाई देने वाली है। यहाँ पर आपको हैंडल बार राइजर इसके अंदर जो है मिल जाता है, जो कि नॉर्मल एक्सपल्स के अंदर आपको नहीं मिलता है। रियर सस्पेंशन ट्रेवल के बारे में बात करें, तो वो आपको 50 mm जो है ज़्यादा मिलता है इसके अंदर। रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन जो है मिलने वाला है। एक मेजर हाईलाइट के चेंजेस के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पर अब आपको जो है इसके अंदर सीट हाइट मिलती है, वो मिलती है पूरे 891 mm की। मेरी हाइट 5'10" है और मेरे लिए ये पैर जो है कुछ इस तरह से आते हैं। अगर आपकी हाइट थोड़ी सी छोटी है, थोड़े से आप शॉर्टर हैं, तो उस केस में आपको इसमें डेफिनेटली थोड़ी सी दिक्कत जो है आने वाली है, बैठने में, चढ़ने में, इस सब चीज़ों में इसमें जो है आपको दिक्कत इस सीट हाइट के साथ जो है आने वाली है। मतलब 891 mm ये बहुत ही ज़्यादा सीट हाइट है। अब जैसे मैं इसको काफ़ी दिन से चला रहा हूँ, तो जैसे मैं अगर दिन में 3-4 बार इस पे ऊपर चढ़ता हूँ उतरता हूँ, तो ठीक है। अगर उससे ज़्यादा बार चढ़ता या उतरता हूँ, तो मेरे लिए भी थोड़ा सा ये टायरिंग हो रहा है। मतलब अगर मैं डेली कम्यूटिंग में से यूज़ कर रहा हूँ, तो उस केस में अगर ज़्यादा इसे यूज़ करता हूँ, तो वो मेरे लिए टायरिंग जो है हो जाता है। बाकी अगर आपकी हाइट थोड़ी सी छोटी है, तो उस केस में आपको डेफिनेटली इस सीट हाइट के साथ जो है दिक्कत आने वाली है। मतलब ये भी एक चेंज वैसे इसके अंदर है, टॉलर सीट हाइट इसे जो है कहा गया है। और साथ साथ इसकी फ्रंट सस्पेंशन अब आपको एडजस्टेबल मिलने वाले हैं। बाकी टायर्स वगैरह के बारे में बात करें, वो बिल्कुल सेम मिलते हैं। साथ साथ डिस्क ब्रेक वगैरह भी आपको बिल्कुल सेम आपको पहले जैसे ही इसके अंदर दिखाई देने वाले हैं। साथ इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी अब पूरे 50 mm ज़्यादा हो गई है। 270 mm की इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऊँची ये बाइक अब जो है हो जाती है। उसके साथ ही ये लंबा सा इसके अंदर जो है आपको साइड स्टैंड मिलने वाला है। सो गाइस, ये सब तो बातें हुई इसके चेंजेस के बारे में कि क्या क्या नॉर्मल एक्सपल्स से इस प्रो वेरिएंट में आपको ज़्यादा मिलने वाला है। अभी चलाने में कैसी है और चलाने में कितनी प्रैक्टिकल है और कैसी फील होने वाली है, चलिए अब उसके बारे में बात करते हैं। तो गाइस, अब बात करते हैं इसकी राइडिंग के बारे में। मैं इसको ऑलमोस्ट 1 महीने के आसपास से चला रहा हूँ, अब अगर मैं उसके हिसाब से अपना एक्सपीरियंस जो है इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। बाकी इसके इंजन के बारे में बात करें, तो 200 cc के आसपास का इसके अंदर जो है इंजन आपको मिलता है, जो कि साउंड थोड़ा सा रफ करता है, लेकिन आपको चलने में उतना ज़्यादा रफ जो है ये नहीं फील होने वाला है। अब साउंड की बात कर लिए, तो एक बार इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुन लेते हैं। आइए सुनाता हूँ। तो कुछ इस तरह से ये बाइक जो है साउंड करती है। मतलब साउंड थोड़ा सा वैसे रफ आपको शायद फील हो, लेकिन ये चलने में उतनी ज़्यादा रफ आपको फील नहीं होने वाली है। इसके अंदर ट्रांसमिशन आपको 5-speed जो है मिलने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें इसके टॉर्क की, तो लो एंड टॉर्क आपको इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलेगा।
लेकिन मिड एंड और हाई एंड में आपको इसके अंदर थोड़ी सी जो है कमी फील होगी, मतलब आपको बाकी इसमें आपको 3-digit नंबर टच करने में ये बाइक थोड़ा सा ज़्यादा टाइम जो है लगाती है, 60-80 तक का नंबर ये इजीली क्रॉस कर लेती है, लेकिन उसके बाद अगर आप ले जाना चाहेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें एफर्ट करने की ज़रूरत जो है पड़ने वाली है। अब उसके बाद अगर इसकी विंडशील्ड के बारे में बात करें तो विंडशील्ड इसकी जो है 60-70 तक काफ़ी अच्छे से काम करती है, लेकिन जैसे मेरी हाइट 5 feet 10 inches है तो मेरे लिए उसके बाद इसका एयर फ्लो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाता है, वो सीधा का सीधा मेरे हेलमेट पे आता है। मुझे तो मतलब मेरी हाइट है फिर मेरे से बड़ी हाइट के लोगों को इसमें विंडशील्ड एक्सटेंडर की ज़रूरत जो है ज़रूर पड़ने वाली है। आपकी हाइट थोड़ी सी अगर छोटी है तो उस केस में आपको ये हेल्प करने वाली है, मतलब आप जब यहाँ पे बैठेंगे तो आपके विंड जो है सर के ऊपर से निकल जाएगी तो उस केस में आपको दिक्कत नहीं होने वाली। फिर इसके बाद बात करें इसके राइडिंग पोस्चर के बारे में, तो राइडिंग पोस्चर जैसे आप इस मोटरसाइकिल के ऊपर बैठते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा ऊंचा फील होता है, लेकिन अगर जैसे कि आप SUV में बैठते हैं, ये आप बाइक की SUV पे बैठ गए हैं ऐसा आपको जो है फील होने वाला है, मतलब काफ़ी ज़्यादा रोड से आपको ऊंची ये मोटरसाइकिल फील कराती है। इसकी सीट हाइट जैसे मैंने बताया आपको 891 mm की है और 270 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलने वाली है। हैंडल बार की पोजीशन देखेंगे काफ़ी ब्रॉड है, चलाने में आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है इसमें आता है, इतनी जल्दी जो है आपको थकान ये मोटरसाइकिल नहीं होने देगी। फिर इसके बाद बात करते हैं इसकी सीट के बारे में, तो सीट आपको काफ़ी लंबी फील होगी, चाहे तो ड्राइवर के लिए बात करें चाहे तो पिलियन के लिए बात करें। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊँ तो अगर आप 40 किलोमीटर डेली के हिसाब से अगर इस मोटरसाइकिल को चलाते हैं तो उस केस में इसकी कुशनिंग आपको परेशान नहीं करेगी, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा चलाने वाले हैं तो उसके लिए ये कुशनिंग आपको थोड़ा थोड़ा परेशान जो है करने लगेगी। फिर अगर रियर सीट के बारे में बात करें तो रियर सीट में भी सेम आपको कुछ कुछ ऐसा ही फील होगा, जब मैंने इस पे 2-3 लोगों को बिठाया एक एक करके, सेम रिस्पॉन्स यही था कि इस पे बैठने के बाद काफ़ी ऊंचा फील होता है, लेकिन इसकी सीट कुशनिंग उनको थोड़ी थोड़ी देर में जो है परेशान करने लगी, मतलब कुशनिंग में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट इस मोटरसाइकिल में किया जरूर जाना चाहिए। इसके बाद अगर इसके वेट के बारे में बात करें तो 161 kg का इस मोटरसाइकिल का वेट आपको मिलने वाला है, लेकिन जब आप इसे चलाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट ये मोटरसाइकिल जो है फील होती है, और साथ ही अगर आप इसे पिलियन को बिठा लेते हैं तो पिलियन को बिठाने के बाद ये मोटरसाइकिल आपको चलाने में और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस देने जो है लगती है। अब इस तरह की मोटरसाइकिल में इनके सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा एक मेजर रोल प्ले करते हैं। अब मैंने सस्पेंशन के बारे में ऑलरेडी, इसके ट्रैवल के बारे में ऑलरेडी बात कर ली, कोई छोटे गड्ढे आते हैं तो उसमें भी किस तरह का इशू नहीं आता, बड़े गड्ढे आएंगे तो भी किस तरह का इशू नहीं आएगा, लो स्पीड पे है तब भी किसी तरह का इशू इसमें नहीं आता है, और साथ ही अगर हाई स्पीड पे अगर आप किसी गड्ढे को क्रॉस कर रहे हैं तो उसमें भी किसी तरह के सस्पेंशन ये आपको प्रॉब्लम नहीं करने वाले हैं। बाकी इसके वाइब्रेशन वगैरह के बारे में बात करें तो वाइब्रेशन इसमें इंजन के ही माइनर सी इसके हैंडल बार में फील होती है, वो भी आप अगर चाहे तो शुरुआती स्पीड पे है तब भी वो सेम फील होगी, और साथ साथ अगर हाई स्पीड पे है तो भी वाइब्रेशंस बिल्कुल सेम आपको जो है इसकी फील होने वाली है, मतलब वाइब्रेशंस आपको इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम इस मोटरसाइकिल में नहीं करने वाली है। बाकी इसकी अगर स्क्रीन के बारे में बात करें तो उसकी विजिबिलिटी चाहे तो डे में देखी चाहे तो नाइट में देखी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है, किसी तरह की उसमें विजिबिलिटी में कोई इशू आपको नहीं आने वाला है, इसके अंदर LCD स्क्रीन जो है आपको मिलने वाली है। बाकी इसमें एक मेजर चीज़ के बारे में बात करें वो है इसका डिज़ाइन, ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, आई कैचिंग है, हेड टर्निंग है, मतलब जब भी आप किसी ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते हैं या फिर किसी आप गली मोहल्ले में निकलेंगे तो लोग बग डेफिनेटली मुड़ मुड़ के इसके डिज़ाइन को देखने वाले हैं थैंक्स टू दिस फ्रंट मडगार्ड, जिससे इसका डिज़ाइन पूरी तरह से चेंज हो जाता है, एक पूरा डर्ट बाइक वाला फील जो है इसके डिज़ाइन में आ जाता है। गाइस फिर इसके बाद बात करें इसके ब्रेक्स के बारे में, तो इसके अंदर आपको ड्यूल डिस्क ब्रेक में जो है मिल जाते हैं, फ्रंट टायर में आपको इसके अंदर ABS मिल जाता है और रियर टायर सिर्फ आपको डिस्क ब्रेक के साथ ही मिलने वाला है। अब रियर टायर के अगर मैं बारे में बात करूं तो अगर आप ड्यूल चैनल से लेकर सिंगल चैनल ABS पे शिफ्ट हो रहे हैं तो अगर उस पे शिफ्ट हो रहे हैं तो आपको थोड़ी सी स्किडिंग ज़्यादा इसके अंदर जो है फील होने वाली है, रियर टायर अगर आप सडन ब्रेक करते हैं पैनिक ब्रेक करते हैं तो काफ़ी लंबे टाइम के लिए जो है वो स्किड हो जाता है, लेकिन फ्रंट ब्रेक की बात करें वहाँ पे आपको बखूबी ये काम करते हुए जो है नज़र आएंगे, बाकी दोनों ब्रेक क्रिस्प हैं, उसमें किसी तरह का इशू इस बाइक में नहीं आने वाला है। मैनोवरेबिलिटी के बारे में बात करें, मैनोवरेबिलिटी में मुझे तो कोई इशू नहीं आया, जैसे कि मेरी हाइट 5 feet 10 inches है, लेकिन जब मेरे एक कलीग को ही मैंने ये बाइक चलाने को दी उस केस में उनको उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस इस बाइक के साथ नहीं आया, मैनोवरेबिलिटी में उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है हो रही थी। अब मुझे तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है, इसके टायर्स अच्छे हैं, तो उस केस में मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस इस बाइक को मैनोवर करने में जो है आया। अब बात आती है मेन कि ये मोटरसाइकिल प्रैक्टिकल कितनी है, अगर आप इसे डेली लाइफ में यूज़ करना चाहते हैं तो इतने सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बता दिए आप उसके हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। आप मतलब ज़्यादा उतरेंगे या चढ़ेंगे तो आपको ये थकाने वाली है, उसके अलावा अगर आपकी हाइट थोड़ी सी छोटी है तो उसके इसमें आपको दिक्कत होने वाली है, ज़्यादा लंबी है तो आपको एयर ब्लास्ट आपको ज़्यादा लगने वाला है, अगर आप घर पर किसी लेडीज़ को इस पर बिठाना चाहते हैं तो उसके इसमें भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने वाली है क्योंकि ये ज़मीन से काफ़ी ऊँची है तो लेडीज़ को बैठने में थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत जो है
उसमें हो जाती है। एंड उसके अलावा घर का कुछ सामान लाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बाइक बिल्कुल नहीं बनी है। यहाँ पर नकल गार्ड लगे हैं, यहाँ पे कुछ वैसे तो टांगा नहीं चाहिए, बट से अगर आप कुछ टांगेंगे भी तो भी इसमें जो है दिक्कत आने वाली है। मतलब अगर घर के कामों के हिसाब से भी देखा जाए तो ये बाइक आपकी प्राइमरी बाइक मेरे हिसाब से तो नहीं बन सकती। अगर इसको एक सेकेंडरी बाइक और सेकेंडरी बाइक की तरह यूज़ किया जाए, एडवेंचर्स के लिए यूज़ किया जाए, तो उस केस में ये बाइक एक बहुत ही अच्छा पैकेज है इस प्राइस के अकॉर्डिंग। तो गाइस कैसी लगी आपको ये मोटरसाइकिल और कैसी लगी ये स्टोरी? आई होप कि स्टोरी के द्वारा आपको काफ़ी ज़्यादा अपने क्वेश्चंस के आंसर इस मोटरसाइकिल के रिगार्डिंग जो है मिल गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो अगर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ साथ टाइम्स ड्राइव को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ साथ टाइम्स ड्राइव.in पे एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।